गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में करीब ढाई घंटे फरियादियों के बीच रहे सीएम योगी। 1000 लोगों की सुनी समस्याएं, फरियादियों को दिया त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का भरोसा। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, जन कल्याण के कार्यों में ना हो कोताही। लखीमपुर के गोला गोकरण विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत पर सांसद रवि किशन ने कहा, यह विकास की है जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का हो रहा है विकास। यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 279 मुख्य आरक्षियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। कहा, सभी जवान स्वयं व अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए करें जागरूक। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण को किया बरामद, भेजा जेल। महादेव का गोरखपुर भोजपुरी के सबसे बड़े फिल्म की शूटिंग जनपद में हुई शुरू। 5 भाषाओं में डब होकर फिल्म होगी रिलीज। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। सदर सांसद रवि किशन ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। से 14 नवंबर तक बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से मगहर कबीर के परिनिर्वाण स्थली तक नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत निकाली जाएगी पदयात्रा। कहा, पदयात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर फैल रही है नफरत की भावना को किया जाएगा खत्म। और विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर प्रांत द्वारा हित चिंतक सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ। प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, महानगर के 20 प्रखंडों में 50,000 एक चिंतक बनाने का है लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। जिन जरूरतमंदों के राशन कार्ड नहीं है उनके कार्ड बनवाओ, इलाज के लिए किसी को भटकना ना पड़े। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच, इलाज व दवाओं की व्यवस्था है। यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसके उच्च स्तरीय इलाज में सरकारी आर्थिक सहायता के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। सरकार जन कल्याण के संकल्प की बुनियाद पर खड़ी है, इसलिए जन कल्याण के कार्यों में कोताही किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। जन समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता से और संतुष्टि परक होना चाहिए, ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में आहूत जनता दर्शन के दौरान अलग अलग तरह की फरियाद सुनने के बाद अधिकारियों को दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब ढाई घंटे फरियादियों के बीच बिताए। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे, बड़े इत्मीनान से उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 1000 लोगों की फरियाद सुनी। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की रही। अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला ने सीएम योगी से अपने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर रोजगार दिलाने की गुहार की। साथ ही बताया कि उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने उसे आश्वस्त किया कि राशन कार्ड भी बनेगा और काम की भी व्यवस्था कराई जाएगी। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित भी किया। एक अन्य अल्पसंख्यक महिला ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की फरियाद की। सीएम ने उसे भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकने पाएगा, अस्पताल का एस्टीमेट मिलते ही धन उपलब्ध करा दिया जाएगा। कुछ फरियादियों ने जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने या मकान निर्माण में बाधा डालने की शिकायत की। इस पर सीएम योगी के तेवर सख्त हो गए। उन्होंने पुलिस अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों को करारा सबक सिखाया जाए।
कोई अपनी भूमि पर निर्माण करा रहा है तो बेवजह बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने हर फरियादी को यह भरोसा दिया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी सभी समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को दुलारते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें चॉकलेट दिया, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। एक बच्चे ने स्कूल न जाने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी माता को समझाते हुए कहा कि बेहतर भविष्य के लिए बच्चे को स्कूल अवश्य भेजिए। अरे बैठ जाओ अपने, क्या बात है, कहाँ पे? तिवाड़ीपुर में देखें, क्यों नहीं उनका मकान बनने दे रहे? आप बताएं, गोरखनाथ थाना क्षेत्र का कौन ने गाली, कौन गाली दे रहा है, पता है आपके पास क्या हो गया है? कहीं डॉक्टर को दिखाया? किसी डॉक्टर को एक बार दिखा के एस्टिमेट बनाओ, आपका कार्ड नहीं बना है आसमान, उसको एक बार चेक करो, ये तो सहयोग करो, बताएं। कब से? 28 तारीख से। ये देखो गायब हो गया, इसको देखो, आप बताएं। ठीक है, जरूर महाराज जी के, ठीक है, आप बताएं। हैं? कहाँ पे? संत कबीर नगर में। जमीन आपकी है? इसको संत कबीर नगर में दो भाई, डेढ़ ही सबको, क्यों नहीं आप सुनाई हो रही, पता है क्या बात है? 30 तो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? उसमें जो है बच्चों को उसको चेक करेंगे, घबराओ मत, हो जाएगा। स्कूल देती रे, कौन क्लास में पढ़ते हो तुम्हें? कहा देखो, खोराबार थाना क्षेत्र में। आप बताएं क्या बात? बैठ के समाधान करो जी। आपको कुछ पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, क्या करना है बताइए। राशन कार्ड भी नहीं है, घबरा मत, राशन कार्ड भी घबरा, स्कूल जाते रे, ओ स्कूल जाते हो, स्कूल भेजो उसको, फ्री में स्कूल में सब व्यवस्था फ्री में है, बताइए क्या बात है? तो हॉस्पिटल में फ्री में, वहाँ पे सब जांच फ्री में होती तो क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाते? जिला अस्पताल में जाओ ना, सारी सुविधा वहाँ फ्री में है, और नहीं होता तो बताना, फिर बताए क्या बात है? सदर सांसद रवि किशन ने गोला गोकरण उपचुनाव में बीजेपी के जीत पर कहा कि लखीमपुर के गोला गोकरण विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत हुई है, जो कि 30,000 वोट से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को हरा कर चुनाव जीता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के कार्यशैली से सभी लोग खुश हैं, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। देश व प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कार्य ईमानदारी से होता है। प्रदेश में सड़क बिजली पानी सभी को मिल रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके अलावा अब प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज व एम्स बनाने की तैयारी शासन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगे हम लोग गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, बीजेपी ने शानदार जीत, ऐतिहासिक एकदम, बहुत पूज्य महाराज जी, डबल इंजन सरकार के साथ ये सक्सेस रहेगी। और अब देखिए, हम लोग गुजरात जीतेंगे, यहाँ तो जीत गए, अब गुजरात जीतेंगे, फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश जीतेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतेंगे। डबल इंजन सरकार का चमत्कार है, जहाँ निस्वार्थ त्यागी होते हैं वहाँ जीत होती है। हर महादेव, देखिए पूज्य महाराज जी डबल इंजन की सरकार के कार्यशैली से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई शुभा ही नहीं था। हम उस वक्त महाराज जी के साथ ही थे जब वो खबर आई थी कि हम लोग, तभी 23,000 हमको हेलीकॉप्टर के पास जा रहे थे हम लोग साथ, तब पता चला, हम लोगों को खबर आई थी 23,000 की लीड है। डबल इंजन की सरकार है, कार्य जब आप ईमानदारी से करते हो
ट्रांसपेरेंसी के साथ जब जनता का पैसा एक एक रुपया टैक्स का जनता को दिखाई दे रहा है, सड़क पर, बिजली में, काम में, इलाज में, किसान के खाते में, बहन बेटी के पढ़ाई में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज में, हर तरीके से। आप पहले बात बताओ, कल ही महाराज जी बता रहे थे कि शायद दिल्ली में होगा कि एक ही जिले में मेडिकल कॉलेज और एम्स साथ में है। तो उस तरह से जब महाराज जी पर इतना विश्वास है, यशस्वी प्रधानमंत्री पे विश्वास है, हम लोग अभी गुजरात जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी गुजरात में, क्योंकि काम वैसे वहाँ पर हुआ। मैं भी वहाँ प्रचार में जा रहा हूँ, गुजरात जीतेंगे, उसके बाद हम लोग राजस्थान जीतेंगे, हिमाचल प्रदेश जीतेंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। ये कोई घमंड नहीं है। जब आप ईमानदार रहते हो, जब आपके प्रधानमंत्री पे, आपके मुख्यमंत्री पर एक दाग नहीं होता, तो आप वहाँ जीतते ही जीतते हो। जनता पागल नहीं है, जनता 70 साल भोग चुकी है, जनता झूठ की दुनिया में रह चुकी है। अब जनता को चाहिए कि के हम मेरे भविष्य, मेरे बच्चों के भविष्य को कौन सुरक्षित दे रहा, सुरक्षा कौन दे रहा, माफियाओं को ध्वस्त कौन कर रहा है, नीच लोग, गंदे लोगों को कौन खत्म कर रहा है, पापी लोगों को कौन कड़क टाइट करके रख रहा है, वो बात है। तब आपकी डबल इंजन की सरकार चलती है, जहां पर आपके निस्वार्थ त्यागी होते हैं मोदी जी, पूज्य योगी जी। तो आप जीतना ही जीतना है, जहां आप करप्ट होगे, जहां पर अपन जेब भरवा अपने परिवार का करोगे, अपने लिए स्वार्थी सोचोगे, आप हारोगे, ये तय है। ये दुनिया की, आप दुनिया को आप बेवकूफ, आप जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सब लोग पढ़ लिख चुके हैं, आप किसी को बेवकूफ इस भारत में, इस नए भारत में आप 2014 के बाद नहीं बना सकते, क्योंकि मोदी जी ने सारे झूठ के पर्दे नोच के फेंक दिए हैं। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत बिछिया कैंप स्थित पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 279 मुख्य आरक्षियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा मैपल ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने सभी आरक्षियों से अपील करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी स्वयं सड़क सुरक्षा में यातायात नियमों का पालन करें तथा आमजन से एक आदर्श पुलिस दोस्त की तरह व्यवहार करें। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करें तथा दो पहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी ना बैठाएं। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन तथा नशे की हालत में गाड़ी और ओवर स्पीड में वाहन ना चलाएं। उन्होंने कहा कि सभी जवान स्वयं, अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदार तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें। इस अवसर पर TSI मनोज कुमार राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, मैप लगाकर कहीं जाना है, निर्देशन बजाना है, कोई यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं ड्यूटी में हैं, आपको मालूम हो जाए, लोकल से लोकल जानकारी आपको मिलेगा इसमें। उस जगह का आपको फोटो सहित मिलेगा, आप किसी चौराहे पर गए हैं तो उस पूरा चौराहे को फोटो दिखाएगा। अगर किसी इसको लोड करिए, इसमें आप ही सूचना डाल सकते हैं। इसमें आपको जैसे कि आज DIC कार्यक्रम है तो दिया था, इसमें आपको लोकल जानकारी भी मिलेगी। और मान लीजिए कि रास्ते में कहीं सड़क धस रही है, पुलिया टूट गई है या बाढ़ आ गई है, लोग वो जानकारी देते हैं मैपल्स टीम के लिए। अब मैपल्स की टीम भी पैदल काम करती है तो सूचना को क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद अपलोड किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी है। और जब आपको पता है कि खजनी जाने वाले मार्ग पर ऊपर पानी बह रहा है तो वो साथ में आपको अल्टरनेटिव रूट भी बताता है कि बगल में किस रास्ते से और कितनी देर में पहुंच सकते हैं। ये ज़्यादा उपयोगी है, हमेशा नेविगेशन में आप लोग इसी का यूज करें, इसीलिए इसके लिए जो है आपको डाउनलोड कराया गया है। महोदय द्वारा आपको जो बताया जा रहा है मैपल्स के बारे में, तो लगभग सर सारी बातें बता दे चुके हैं, हेलमेट के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, HSRP के बारे में, रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए लास्ट में घेर के रखा है। पर उपयोगी लेक्चर था ये, हम लोग देखते रहते हैं सड़क पे ड्यूटी के दौरान आम नागरिकों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हेड इंजरी होती रहती है, वो हेड इंजरी किसी के साथ हो सकती है, दुर्घटना होती है तो नहीं जानकारी होती है, ना पता चलता है, स्वयं तो किसी को पता ही नहीं होता है। और दुर्घटना से को क्या मतलब कि पुलिस वाला है कि कौन है क्या, दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है।
तो केवल स्वयं के बचाव के लिए क्या पुलिस कर्मियों के साथ दुर्घटना नहीं होती? पुलिस कर्मी ज्यादा रिस्क पे होते हैं क्योंकि पुलिस कर्मियों को हमेशा बाइक से तुरंत और टाइमली, पुलिस वाले तो वेधासा चलाते हैं क्योंकि उनको समय से ड्यूटी पे पहुंचना होता है। अपनी मजबूरियां हैं कि लोग चोरी से चाहे थाने से मतलब बच्चों में भागे या जहां भी भागे या गैर जनपद रहते हैं, तो आप लोग हेलमेट जरूर पहनिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों को ध्यान में रखें हेलमेट पहनिए। बाकी केवल यही एक बात कहनी है क्योंकि सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो एक मिनट और लूंगा, आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे ट्विटर पे तुरंत आपका फोटो खींच लेगा जिसको पता होगा, तो आपसे जो खार खाया होगा पब्लिक का व्यक्ति वही आपका फोटो लेके आपकी बाइक का चलाते समय कि आपने हेलमेट नहीं लगाया है, फिर आप लोग उसको पेंडिंग डालोगे, जुगाड़ में रहोगे कि कब न्यायालय जाएगा, कैसे जाएगा, वहां से निपटाले। पर एक बार जो अपराध FIR NCR किसी की चिपक जाती है तो वो खत्म थोड़ी होती है। यातायात नियमों का पालन करें और सभी को जागरूक करें, थाने में भी सभी को जागरूक करें, अपनी यूनिट में अपने परिवार वालों के लिए भी इसका दायित्व समझाएं। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर में आज हमारे हेड कांस्टेबल का जो कोर्स कर रहे हैं आरक्षी, उनके लिए यातायात नियमों के बारे में और सड़क पर चलने के दौरान पुलिसकर्मी स्वयं क्या सावधानियां रखें ताकि पुलिसकर्मियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो, एवं नागरिकों के प्रति वो कैसा व्यवहार करें जिससे कि नागरिक ऑफेंडेड महसूस ना करें, नागरिक ये महसूस करें कि पुलिस उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए है ना कि उनका चालान करने के लिए। तो व्यवहारिक के रूप में उनके लिए सेंसिटाइज किया गया कि नागरिकों से सड़क पर ड्यूटी के दौरान और ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान उनके लिए एक फैसिलिटेटर का काम करें, सहायता का काम करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें और यातायात नियमों को स्वयं अपनाएं और दूसरे लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि यातायात नियम ना अपनाने से जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना में जान माल की हानि होने से पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो सुरक्षित सफ़र के लिए सभी के लिए जागरूक किया गया और MB एक्ट के प्राविधानों से अवगत कराया गया। कुछ संदेश भी दिए गए हेलमेट लगाने से? संदेश जवानों को ये दिया गया कि जब भी वाहन के लिए हाथ लगाएं, वाहन के लिए जब भी हाथ लगाएं तो चाबी के साथ हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। अगर चाबी के साथ हेलमेट नहीं है तो वाहन को कदापि ना छुएं। वही चीज़ फोर व्हीलर पे लागू होती है कि जब भी हम फोर व्हीलर बाहर निकालें तो इग्निशन स्टार्ट करने से पहले हम सीट बेल्ट लगाएं। अगर हम इसको एक आदत का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित रूप से सड़क पर होने वाली बहुत सारी दुर्घटनाओं से स्वयं को और दूसरों को बचाया जा सकता है। गुलेरिया थाने की पुलिस ने एक अभियुक्ता को अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुनीता देवी पत्नी सुभाष निषाद निवासी सरैया थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 20 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 1 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम नौसादस शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया गया है। गुलेरिया थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्ता के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, उप निरीक्षक रामचंद्र राय, विजय शंकर यादव, चंद्रभान सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, श्याम बिहारी उपाध्याय, कांस्टेबल शिव ओम शुक्ला, सुभाष चंद्र यादव, महिला कांस्टेबल नेहा सिंह खुशबू शामिल रही। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में करीब 2.5 घंटे फरियादियों के बीच रहे सीएम योगी, 1000 लोगों की सुनी समस्याएं, फरियादियों को दिया त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का भरोसा, अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा जन कल्याण के कार्यों में ना हो कोताही। लखीमपुर के गोला गोकरण विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत पर सांसद रवि किशन ने कहा यह विकास की है जीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का हो रहा है विकास।
यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 279 मुख्य आरक्षियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। कहा, सभी जवान स्वयं व अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए करें जागरूक। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता को गिलहरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण को किया बरामद, भेजा जेल। महादेव का गोरखपुर भोजपुरी के सबसे बड़े फिल्म की शूटिंग जनपद में हुई शुरू। 5 भाषाओं में डब होकर फिल्म होगी रिलीज। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। सदर सांसद रवि किशन ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। नौ नवंबर से 14 नवंबर तक बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से मगहर कबीर के परिनिर्वाण स्थली तक नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत निकाली जाएगी पदयात्रा। कहा, पदयात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर फैल रही है नफरत की भावना को किया जाएगा खत्म। और विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर प्रांत द्वारा हित चिंतक सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ। प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, महानगर के 20 प्रखंडों में 50,001 चिंतक बनाने का है लक्ष्य। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदर सांसद रवि किशन ने महादेव की गोरखपुर फिल्म की शूटिंग पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि यह फिल्म लगभग 12 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो कि भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सहित कुल 5 भाषा में बन रहा है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म है। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान, नेपाल, केरल, बनारस सहित गोरखपुर में हो रही है। गोरखपुर में 60 दिनों तक शूटिंग होगी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और लोकल कलाकारों को फिल्म में मौका मिलेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर राजीव नायर साउथ के हैं। इनकी सभी फिल्म ब्लॉकबस्टर रहती है। यह फिल्म भी देश में नाम कमाएगी, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ घाट, नौकायन, बुढ़िया माता मंदिर, जीडीए कार्यालय सहित अन्य जगहों पर होगा, जिससे भोजपुरी को बहुत नाम होगा। यह फिल्म एक जासूस की कहानी पर आधारित है। इसमें साउथ फिल्म के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हीरोइन अपना अभिनय करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, ठीक है, माना कर, छोड़ दीजिए, जबरदस्ती मत करिए, ठीक, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, जब सब जाएगा। अरे वाह मैम, आइए आइए, मैं तो घबरा गया, हमको लगा कि सही में क्या लुक है, मैम आई हैं। तो आपका भी कोई रोल है इसमें? हमारे वो एडीजी से जूनियर को पीछे कर याद है, महाराज जी के मंच पे एंकरिंग भी की है कितना। नहीं, ये जो फिल्म बन रही है उसी में रोल है। तब चलिए चलिए, तब से बहुत बढ़िया रोल उसमें है, अच्छा है। हाँ, इनका रोल अच्छा है, और अच्छा एक लाइट मेकअप था, पहचान ही नहीं पाया हम, बहुत अच्छा। डायरेक्टर साहब बड़े खुश थे, बहुत अच्छा लगा मैम आप। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमेशा जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या पूज्य महाराज जी रोजगार को लेके, विकास को लेके निरंतर एक प्रयास करते हैं, तो मैं चूंकि सांसद हूं और मेरे पास एक बहुत अच्छा 35-35 साल से जिसका मैं छात्र हूँ, सिनेमा का छात्र हूँ 700 फिल्म के बाद, मुझे पता है कि यहाँ से रोज़गार कैसे जनरेट होता है और यहाँ से लोगों को काम कैसे मिलेगा, अनगिनत और कलाकार भी कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा निरंतर प्रयास था जब से हम सांसद यहाँ देवतुल जनता ने बना है। 85 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अब ये प्रयास था कि ये लोग हमको मिस्टर राजीव नायर मिले, इन्होंने एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाई और ये चाह रहे थे मैं केरला में इस फिल्म की शूटिंग करूं और मुझे लीड में ले रहे थे, तो हमने कहा कि क्यों नहीं आप एक बार गोरखपुर देखते हैं। तो ये गोरखपुर आए, इनको रेकी किए, इनको यहाँ का रामगढ़ झील, कुसमी जंगल, यहाँ का लोकेशन, राजघाट, सब सारी राप्ती नदी के पास का किनारा, इनको बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन, घर, मकान, और जैसे ये जीडीए का ये कार्यालय ये मिला इनको, ये सारी जगहों को मिला और ये लोग बोले कि हम लोग यहाँ करते हैं। तो आज ये फिल्म जो हम कर रहे हैं ये भोजपुरी में बनेगी, पहली भोजपुरी फिल्म होगी, जो जैसे आरआरआर थी, केजीएफ थी, जो अन्य भाषाओं में डब होके आई,
तो ये भोजपुरी फिल्म होगी जो पहली बार ऐसा प्रयास होगा कि इस देश की हर भाषा में ये डब होके जाएगी। वो तमिल होगी, मलयालम होगी, कन्नड़ा होगी, तेलुगू होगी, हिंदी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा भोजपुरी सिनेमा को ऊंचा ले जाने का। वो भोजपुरी सिनेमा जिसने हम सब लोगों को पहचान दी, जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहा था, अब इस भोजपुरी सिनेमा को दोबारा महादेव की दया से, गोरखनाथ बाबा की पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से दोबारा एक बड़ी ऊंचाई, एक बड़ी छलांग की ओर भोजपुरी सिनेमा जा रहा है। इस फिल्म का बजट भी 12 से 15 करोड़ रुपया है, जो कि कभी नहीं रहा। भोजपुरी का अक्सर बजट 1.5-2 करोड़, 2.5 करोड़ तक फिल्मों का होता है। तो ये फिल्म एक बड़े बजट की फिल्म होगी, 5 भाषा में ये डब्ड होके जाएगी और गोरखपुर को पूरा देश देखेगा। वो तमिलनाडु में भी देखेगा, वो केरला में भी देखेगा, मलयालम में, और हमारी भव्यता, हमारी सुंदरता गोरखपुर की, गोरखपुर के कलाकार, ये सब लोग अब पूरे देश में जाएंगे इस फिल्म के माध्यम से, जिसका नाम है महादेव का गोरखपुर। तो ये टाइटल भी बहुत बढ़िया मिल गया महादेव के आशीर्वाद से। कहानी स्पाई थ्रिलर है, एक जासूस की कहानी है, और कैसे एक पुलिस ऑफिसर, जो मैं जिस भूषा में हूँ उसमें अभी मेरी मूछें आएंगी, और एक जासूस की कहानी है जो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत, और महादेव से जुड़ी हुई और महादेव के शिवलिंग से जुड़ी हुई कहानी है। इसकी कुछ शूटिंग टर्की में होगी, अफगानिस्तान में होगी, नेपाल में होगी, काशी में होगी, और कुछ 50-60 दिन कुछ गोरखपुर में होगी। तो ये प्लानिंग है, भव्य सारे सेट्स लग रहे हैं हर जगह पर, जहाँ जहाँ आप देखेंगे फिल्म की भव्यता होगी, चूँकि इसका बजट बड़ा है। डायरेक्टर बड़े काबिल हैं, मिस्टर राजीव नायर, इन्होंने 7 फिल्में मलयालम में बनाई, जिसमें उनकी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। आप वो फिल्में देखेंगे, उनका टीम कैमरामैन बहुत अच्छा है। कलाकार प्रमोद पाठक जी हैं, जो काफ़ी बड़े वेब सीरीज़ में आते हैं, वो इसमें मेन विलन की भूमिका में, साउथ की, कनाडा की बहुत पॉपुलर सुपरस्टार हीरोइन है, वो इसमें हमारे अपोजिट हैं, लेकिन वो रॉ ऑफिसर, वो भी पुलिस ऑफिसर बनी है। तो ऐसे चुनिंदा एक एक हर क्षेत्र से, भोजपुरी से सुशील सिंह भी हैं, राजप्रेमी हैं, हिंदी से कलाकार हैं, तेलुगू से कोई कलाकार आ रहे हैं, मलयालम इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं। तो सारे कलाकार आएंगे, और कुछ यहाँ के होटलों में लोग आ भी चुके हैं या रुक गए हैं। आज पहला दिन है शूटिंग का, तो मैं चाह रहा था कि इसकी शुरुआत आप लोगों से, आप लोगों की जानकारी के साथ हो, ताकि और भी, मैं चाहूँगा धर्मा प्रोडक्शन हो, बड़े बड़े जितनी भी हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग गोरखपुर आइए, आप लोग लखनऊ जाते हैं, गोरखपुर आइए, हमने यहाँ बहुत सुंदर, हमारे पास 5-स्टार होटल से लेके सारी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ आके लोकेशन देखें, यहाँ आपको बहुत सारे कलाकार भी मिल जाएंगे, आपको कलाकारों को लाना भी नहीं होगा, सारे खर्चे यहाँ बहुत कम 50% पे हो जाते हैं, आपको उत्तर प्रदेश सरकार महाराज जी की सब्सिडी भी देती है। तो आइडिया ये है कि मैं साउथ की इंडस्ट्री को भी गोरखपुर लाना चाहता हूँ, उसकी शुरुआत ये भव्य फिल्म से हो रही है, जिसको देखेंगे अब जो लोग मेरा इंटरव्यू सुनेंगे, वो लोग डेफिनेटली इस पर गूगल करेंगे, तो गोरखपुर के सारे हमारे जितनी भी सुंदर लोकेशंस हैं वो देखने मिलेगी। जैसे लखनऊ में ज़्यादा लोकेशन नहीं है, छोटा हुआ है, काशी में भी ज़्यादा लोकेशन नहीं, क्योंकि वो जगह छोटी है। गोरखपुर का है कि विस्तार में फैला हुआ है चारों तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास अनगिनत लोकेशन है, ताल तलैया से लेके खेत से लेके जंगल भी है, नदी भी है, झील भी है, हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास 4 लेन है, 6 लेन है, हमारे पास गीडा का कारखाना भी है, हमारे पास फर्टिलाइज़र भी है, चीनी कारखाना भी है। आएंगे, उसकी अमाउंट होती है, सरकारी अमाउंट होती है, जैसा इसकी भी हमने एक सरकारी अमाउंट इसकी तय है, वो छोटी छोटी नॉमिनल अमाउंट जो सरकारी होती है वो भरिए, और आप यहाँ शूटिंग करिए, और एक फिल्म को आप नया लोकेशन के साथ पूरे देश को दिखाइए, और गोरखपुर मेरा इतना सुंदर है हमारा, इसको आप सबको जनवाएं। क्या लग रहा है कि महादेव की ये है, और ये बहुत यही उसकी, इस फिल्म की जान है, एक आत्मा है, शिव जी से ही कनेक्टेड पूरी कहानी है। इसमें टेररिस्ट भी हैं, इसमें कुछ टर्की से टेररिस्ट आते हैं, जो अब है ना, पहले चाइना और पाकिस्तान से थे, इसके टेररिस्ट हैं जिनका मूवमेंट टर्की से, जो एक्चुअली टेररिज्म का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है टर्की, तर्किस्तान जिसको कहते हैं। तो वहाँ से खबर आती है, और मुझे पता चलता है कि नेपाल के रास्ते लोग गोरखपुर से होते हुए कहीं यूपी में घुसेंगे। अब मुझे वो कोड को तोड़ना है कि क्या करने आ रहे हैं, शिवलिंग से क्या कनेक्टेड है,
क्या है वो सस्पेंस है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन खबर ये आती है कि तुर्किस्तान से लोग निकले हैं, नेपाल के रास्ते गोरखपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में फैलेंगे। कहाँ अटैक करेंगे, कहाँ चोरी करेंगे, क्या चोरी करेंगे, कहाँ विस्फोट करेंगे, वो सारा सस्पेंस है। और मैं एक पुलिस ऑफिसर, एक रॉ ऑफिसर, एक रॉ एजेंट है, और उसका ये है कि इसको, इस कोड को तोड़ना है और इन लोगों को पकड़ना है या इनको मार देना। हर हर महादेव। जी, गोरखपुर के नाम पे ये फिल्म बनाई, महादेव का गोरखपुर, कितना लोगों को पसंद आया? अभी तो शुरू होता हो, और बाद जब महादेव का आशीर्वाद हुई, जब बढ़िया से कि बन जाएगी, क्योंकि साउथ के टेक्नीशियन है, बाहुबली से जुड़े हुए भी टीम है, ये मणिरत्नम सर के साथ भी ये टीम जुड़ी रही है, जो टीम आई है बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्मों से जुड़ी रही है टीम, ये लोग बड़े काबिल हैं। आजकल साउथ इंडस्ट्री आप देख ही रहे हैं कि पूरा उनका बोला बाला है। मैं तेलुगु फिल्मों में काफ़ी काम करता हूँ, तमिल में, कन्नड़ा में भी, तो ये वही टेक्नीशियंस हैं, और ये लोग हमारे गोरखपुर को जो बताएंगे वो बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य होगा, जैसे बाहुबली। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भोजपुरी के इतिहास की, जितना मुझे एक्सपीरियंस है भोजपुरी के इतिहास की और सिनेमा की, ये जो कहानी जो मैंने आपको एक ही लाइन में बताई, क्योंकि मैं, मुझे अलाउड नहीं है बताना कहानी, डायरेक्टर साहब ने मना किया हमको, मैं खाली इतना दावे के साथ कह सकता हूँ परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी, और भोजपुरी को ये सिनेमा पूरे देश में एक बहुत सम्मान दिलाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे जो मुझे एक फिल्म में मिला। लोग कहते हैं ना, अरे भोजपुरी बड़ा अश्लील बारे क्यों नहीं जाला, सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्म को देखने जाएंगे जैसे लोग KGF और RRR को देखने जाते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन इनके साथ शूटिंग केरला में भी किया था, महाराज जी ने भी देखा था, महाराज जी ने शूटिंग को, इनका शॉट देख के इनको आशीर्वाद भी दिया था, महाराज जी को भी बड़ा अच्छा लगा था जिस तरह से डायरेक्टर लोग यहाँ के होंगे, 6-8 लोग बाहर से आएंगे, बाकी सब गोरखपुर के रंगमंच के कलाकार, लखनऊ से भारतेंदु के कलाकार, उत्तर प्रदेश बनारस के कुछ कलाकार, जैसे जैसा रोल होगा, मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं गोरखपुर के कलाकार और गोरखपुर के टेक्नीशियंस लोग को काम दूँ। शॉर्ट में खास, हाँ आप हैं खास, आप आए हैं हमारे लिए। कितना लोगों को पसंद आया, क्या बजट है? बहुत महंगी फिल्म है, वह 5 भाषा में, मैं चाहूँगा जैसे आशीर्वाद दिए और अभी ऐसे आशीर्वाद जनता वापस दे। नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत स्वास्थ्य चौक स्थित प्रेस क्लब पर अरुण श्रीवास्तव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 9 नवंबर से 14 नवंबर तक बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से मगहर कबीर के परिनिर्वाण स्थली तक पदयात्रा निकाली जा रही है, यह कार्यक्रम पूरा देश और हर जिलों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि 9 नवम्बर को इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि देश की सामाजिक कार्यकर्ता मीना पाटकर, राम गोविंद चौधरी और बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजत इस पदयात्रा का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस पदयात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहली ऐसी पदयात्रा होगी जिसमें जनता के सवालों का जवाब देंगे ताकि जो नफरत की भावना लोगों के अंदर फैल रही है उसको खत्म किया जा सके। इस अवसर पर यात्रा संयोजक डॉक्टर चित्तरंजन मिश्रा, यात्रा संयोजक अरुण ब्रह्मचारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अरुण श्रीवास्तव ने कहा, किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है? ये प्रेस वार्ता आगामी 9 नवंबर से 14 नवंबर तक बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली से कबीर के परिनिर्वाण स्थली तक एक पदयात्रा निकाली जा रही है जो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत की जा रही है। यह कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है और हर जिलों में हो रहा है और उसी सिलसिले में यहाँ पे भी हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 9 तारीख को 9 बजे सुबह यह कार्यक्रम शुरुआत होगी, उसका हरी झंडी इस देश की सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर हम झंडी दिखाएंगे। राम गोविंद चौधरी जो नेता विरोधी दल थे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लगभग 30 से 40 पदयात्री उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तीनों प्रदेश के लोग हमारे साथ रहेंगे। हमारा इस यात्रा का प्रयास यही है कि जो समाज में नफरत फैल रहा है और ये सारा नफरत केवल झूठ के आधार पर है या अफवाह के आधार पर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों के पास जाएं और उनके सवालों का जवाब दें।
हम भाषण देने नहीं जा रहे हैं, यह पहली ऐसी यात्रा होगी जिसमें जनता के सवालों का हम जवाब देंगे, ताकि जो नफरत की भावना लोगों के अंदर फैल रही हो उसको ख़त्म किया जा सके। ये यात्रा पहली रात को हेतिमपुर में रहेगी, दूसरे दिन हाटा के पास रहेगी, तीसरे दिन पिपराइच में रहेगी, चौथे दिन हम पादरी बाजार की तरफ से गोरखपुर शहर में प्रवेश करेंगे और जितने भी विभूतियों की मूर्तियाँ हैं सब पर माल्यार्पण करते हुए गांधी जी की मूर्ति के पास लगभग 4 बजे 12 तारीख को उसका समापन होगा। शाम को एक बड़ी गोष्ठी होगी गोरखपुर क्लब में। फिर पांचवें दिन हम सवेरे प्रेमचंद पार्क होते हुए शहर के सभी उर्दू बाज़ार, पाणे हाता, देती चौक, नखास, बख्शीपुर, अली नगर, हुमायूंपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग डोमिनगढ़ चले जाएंगे और वहाँ से रात को हम लोग डोहरिया में ठहरेंगे। दूसरे दिन हम लोग जगतबेला होते हुए, सहजनवा होते हुए शाम को कबीरस्थली पहुँच जाएंगे। समापन समारोह में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी आ रहे हैं और श्री माता प्रसाद पांडे जो पूर्व स्पीकर थे वो रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं वो भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 14 तारीख को यात्रा समाप्त हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर प्रांत द्वारा हित चिंतक सदस्यता अभियान का शुभारंभ गणेश चौक स्थित एक निजी शोरूम से किया गया, जिसके संबंध में प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि हर 3 वर्ष पर विश्व हिंदू परिषद हित चिंतक अभियान के नाम से आम जनमानस के बीच में जाकर सदस्य बनाते हैं। महानगर के 20 प्रखंडों में सदस्यता बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 50,000 एक चिंतक बनाने का लक्ष्य लिया गया है। उन्होंने बताया कि चिंतक अभियान विहिप के विभिन्न आयामों के कार्यों का जन सेवार्थ विस्तार करना, सेवा कार्यों से अधिकाधिक वंचित समाज को जोड़ना, नई पीढ़ी में सनातन संस्कारों का संचार करना, गोवंश की रक्षा, सामाजिक समरसता, नारी सशक्तिकरण, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण व मठ मंदिरों की सुव्यवस्था के साथ ही हिंदू समाज को संगठित करते हुए उसकी सुरक्षा के संकल्प का भाव जगाना ही इस अभियान का उद्देश्य है। विश्व हिंदू परिषद मतांतरण और लव जिहाद रोकने और घर वापसी के लिए किस तरह कटिबद्ध है, यह जानकारी भी अभियान के अंतर्गत लोगों को दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, हाँ 2 मिनट कुछ कार्यक्रम हो रहा है, 2 मिनट दीपिका सर, दीपिका हाँ हाँ बोलिए, हाँ ठीक ठीक थैंक यू। दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत प्रचार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। हर 3 साल पर विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुओं के बीच में विभिन्न प्रकार के काम वर्ष भर करती है, वो 3 वर्ष पर एक बार सदस्य बनाने हेतु हित चिंतक अभियान के नाम से आम जनता के बीच में जाती है और इस वर्ष भी तीसरे साल पे हम लोग आज यहाँ से हम लोग ने शुरुआत किया है, क्योंकि ये जो दुकान है ये हमारे जो इस गोरक्ष प्रांत के नींव के पत्थर श्री बालकृष्ण सर्राफ जी
की ये दुकान है, आज उनके परिवार को हम लोगों ने चिंतक बना करके यहाँ से इस अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि हमारे विश्व हिंदू परिषद का शुरुआत ही गोरक्ष प्रांत में यहीं से हुआ था। और आज हम लोगों ने यहाँ पे लक्ष्य लिया है कि गोरखपुर शहर में लगभग 80,000 हितचिंतक बनाएंगे और पूरे गोरक्ष प्रांत में 4,00,000 हितचिंतक बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। क्या उद्देश्य है? हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज को वो विसंगतियाँ जो हिंदू समाज में आ गई हैं, छुआछूत भेदभाव, उन सबको दूर करने के लिए एकजुट करना, साथ में जो आज खतरा है लव जिहाद और आतंकवादियों से, उनके प्रति जागरूक करना, यही सब बेल लेकर के विश्व हिंदू परिषद हमेशा से सक्रिय रहा है मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, आम लोगों को जन जागृत करना, यही उसका उद्देश्य है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में करीब 2.5 घंटे फरियादियों के बीच रहे सीएम योगी, 1,000 लोगों की सुनी समस्याएं, फरियादियों को दिया त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का भरोसा, अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा जन कल्याण के कार्यों में ना हो कोताही। लखीमपुर के गोला गोकरण विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत पर सांसद रवि किशन ने कहा यह विकास की है जीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का हो रहा है विकास। यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 279 मुख्य आरक्षियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक, कहा सभी जवान स्वयं व अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए करे जागरूक। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण को किया बरामद, भेजा जेल। महादेव का गोरखपुर भोजपुरी के सबसे बड़े फिल्म की शूटिंग जनपद में हुई शुरू, 5 भाषाओं में डब होकर फिल्म होगी रिलीज, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार, सदर सांसद रवि किशन ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। नौ नवंबर से 14 नवंबर तक बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से मगहर कबीर के परिनिर्वाण स्थली तक नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत निकाली जाएगी पदयात्रा, कहा पदयात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर फैल रही है नफरत की भावना को किया जाएगा खत्म। और विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर प्रांत द्वारा हित चिंतक सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ, प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा महानगर के 20 प्रखंडों में 50,001 चिंतक बनाने का है लक्ष्य। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।